तो दोस्तों आपका गाड़ी में क्या बीच रास्ते पे रुक गया है, आपका गाड़ी काम करना बंद कर दिया है, तो इस वीडियो को जरूर देखना दोस्तों। तो दोस्तों देखिए हमारा जो मोटर है वो पूरी तरह से डेड हो चुकी है, उसमें काम करना बंद कर दिया है। आपको एक चीज़ ध्यान से देखना होगा दोस्तों, आपका जो मोटर में सेंसर बोर्ड लगा रहे थे उसको चेक करना होगा। तो उनको आप कैसे चेक करें दोस्तों, देखिए हमारा जो सेंसर बोर्ड है ऑलरेडी 3 या 4 तरीके से हमारा सेंसर बोर्ड चेक होती है। तो हमारा सबसे पहला तरीका जो हमारे चेक करती है वो किसी बैटरी के सप्लाई से, उसके बाद मल्टीमीटर के सप्लाई से, एलईडी के सप्लाई से, बहुत कुछ तरीके से हमारा जो सेंसर बोर्ड चेक होती है। तो आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों कि सेंसर बोर्ड आप प्रॉपर तरीके से कैसे चेक करें कि ये सेंसर बोर्ड हमारा 100% सही है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस चैनल पे आप नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल में नोटिफिकेशन ऑल कर देना, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो आपको देते रहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको जो ये सेंसर है इसको टेस्ट करने के लिए किसी भी तरह की 5 वोल्ट की बैटरी चाहिए दोस्तों। तो देखिए आप चाहे तो मोबाइल के चार्जर से भी ले सकती है, चाहे आप सेल्फ से भी ले सकती है, चाहे कुछ भी चीज़ से चाहे आप, इसमें 5 वोल्ट आपको लेना ही पड़ेगा। तो मैं दोस्तों देखिए ये बहुत ही अच्छा ट्रिक्स है, इन ट्रिक्स को आप फॉलो करते हैं तो इसका जो सेंसर की वैल्यू है एक एक पॉइंट की पता चल जाएगी दोस्तों। देखिए किसी किसी सेंसर में होती है हमारा थोड़ा बहुत ही डैमेज होती है, ज़्यादा नहीं दोस्तों, थोड़ा डैमेज हो जाती है, तो उसको भी पता चल जाएगा इन इस तरीके से आप करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों मैं ये जो ब्लैक और वायर है इसमें मैं ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया हूँ दोस्तों। उसका बाद मल्टीमीटर को मैं 20 में कर दिया हूँ सेट। उसका बाद देखेंगे हम इसमें कितना वोल्टेज ऑलरेडी है। तो इसमें देखिए 3 वोल्ट है इस बैटरी के अंदर। तो हम किसी भी एक वायर को दोनों से, जो मल्टीमीटर की 2 वायर होती है, एक को हम कर देते हैं बैटरी के साथ कनेक्ट। उसका बाद हम देखते हैं इसको चेक करके। तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं बता रहा है, तो मैं मोटर को घुमाऊंगा थोड़ा बहुत ही। देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा करके वैल्यू शो हो रहा है, लेकिन देखिए ये सेंसर हमारा सही है, एकदम सही है। तो आपको दोस्तों आप जब भी इसमें टेस्ट कीजिएगा तो आपको ये जो बैटरी है पूरा 5 वोल्ट होना चाहिए, तब भी आपको अच्छी तरह से पता चलेगा दोस्तों। तो उसका बाद हम नेक्स्ट जो सेंसर है उसको टेस्ट करते हैं इसमें क्या बोलती है। तो ये भी देखिए, ये भी थोड़ा थोड़ा घुमाएंगे तो ये भी देखिए अच्छी तरह से काम कर रहे, प्रॉपर तरीके से सही दिखा रहा है दोस्तों। उसका बाद हम येलो सेंसर को देखते हैं, तो येलो सेंसर भी बहुत ही अच्छी तरह से वर्क कर रहा है दोस्तों, क्योंकि हमारा ये 3 सेंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। आपका बस मान लीजिए आपका बस इस तरह से बैटरी है लेकिन मल्टीमीटर नहीं है, तो आपको कैसे टेस्ट करना है वो भी मैं बता देता हूँ दोस्तों। देखिए सेंसर टेस्ट करना तो बहुत तरीके होती है, तो आज इस वीडियो में आप लोगों को 3 ही तरीका बताऊंगा। तो देखिए इधर पे हमने इसी तरह से आपको सेट करना होगा जो बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव में। उसका बाद आपको एक जो बैटरी के हम मीटर की वायर डालेंगे इसमें, तो आपको मीटर की नहीं डालना है दोस्तों, जो एलईडी हमारा होती है, जो हमारा 5 वोल्ट की एलईडी है, उसका एक वायर इधर डालेंगे और उसका बाद इस एक वायर इधर डालेंगे, ये दोनों वायर डालेंगे और घुमा घुमा का देखेंगे दोस्तों, लाइट आएगी कम अप डाउन, कम ज़्यादा लाइट आएंगी। तो दोस्तों ये सही है हमारा, आप समझ लीजिए तीनों को टेस्ट करने के बाद कि ये तीनों हमारा सही है दोस्तों। इन सेंसर को हम मल्टीमीटर से कैसे टेस्ट करें वो आपको कमेंट में बताना होगा दोस्तों। आप लोगों के लिए छोटा सा जानकारी, तो इस वीडियो को अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और इस चैनल में आप नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम किसी अच्छी वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।